गाइज, अगर आप अपने किसी भी विंडोज़ में डिस्क मैनेजमेंट को अगर आप ओपन करते हो और आपका जो डिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, या आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज, आगे के स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। तो गाइज, सबसे पहले तो करना यह है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। आप यहाँ पर कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है सर्विसेस, और आपको यहाँ पर सर्विसेस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे वर्चुअल डिस्क के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद और आपको यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में आपको यहाँ पे डिसेबल्ड से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। ऑटोमेटिक में सेट करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको इस सर्विस को स्टार्ट भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप्ड है। स्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसे कट करना है और आपको अपने डेस्कटॉप पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब मैं यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन हो रहा है। जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था वो प्रॉब्लम, वो एरर यहाँ पे आप सॉल्व हो चुका है। और गाइज, अगर आप अभी तक मैंने अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किया हो, ज्वाइन नहीं किया हो, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह भी डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।